दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। कोरोना से ठीक हो जाने के बाद ब्लैक फंगस की बहुत बड़ी शिकायत आ रही है। ब्लैक फंगस के शिकार लोग हो रहे हैं। चेहरे में सूजन आ जाना, नाक के ऊपर कालापन हो जाना, आंख लाल हो जाना, आंख बाहर निकलने लगना, तरह तरह की बातें सामने आ रही है। ब्लैक फंगस जानलेवा बीमारी बन चुकी है और भारत के हर राज्य में ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं और अस्पताल में इलाजरत हैं। राजस्थान ने ब्लैक फंगस महामारी घोषित अपने राज्य में कर दिया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस रोग को बुधवार को महामारी घोषित कर दिया। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोड़ा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कोरोना के कारण ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि, एकीकृत और समन्वित उपचार किए जाने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 की सह पठित धारा 4 के तहत ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी व अधिसूचनीय रोग अधिसूचित किया गया है। आप इस बात को समझ लें कि ब्लैक फंगस एक जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। बिहार में भी कई दर्जन ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, पंजाब में, हर राज्य में ब्लैक फंगस के शिकार लोग हो रहे हैं। अगर आंख में संक्रमण हुआ तो आंख निकालनी पड़ती है। अगर ब्लैक फंगस मुंह के रास्ते अगर असर किया तो फेफड़े खराब हो सकते हैं, मौत हो सकती है। आंख, नाक, माथा, सर में अगर असर हुआ तो आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, आप भूल सकते हैं। यानी ब्लैक फंगस का असर काफी जानलेवा है। ऐसे लोगों को यह ब्लैक फंगस होने की संभावना अधिक है, जैसा विशेषज्ञ डॉक्टर कहते हैं जो उच्च रक्तचाप के शिकार हैं, जो मधुमेह के शिकार हैं, जो व्यक्ति लंबे समय से ऑक्सीजन ले रहे हैं या जो व्यक्ति लंबे समय से वेंटिलेटर पर हैं, वैसे लोगों को ब्लैक फंगस होने की संभावना प्रबल है। इसके लिए कहा जाता है कि आप कोरोना से ठीक होकर घर लौटने के बाद भी 24 घंटा मास्क लगा कर रखें, कम से कम 15 दिन, और आप अपने घरों में धूल कण से दूर रहें, साथ ही साथ गाछ वृक्ष पौधे से दूर रहें, उसके स्पर्श में नहीं आना है, इससे ब्लैक फंगस होने की संभावना है। आम कोरोना के मरीज जो अपने घर में होम आइसोलेशन में थे और कोरोना के जंग को जीता है, ऐसे लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता ब्लैक फंगस के नाम पर होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस होने की बहुत ही कम संभावना होती है, लेकिन एहतियात बरतना जरूरी है। ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से मिल रहे हैं। नाक के ऊपर काला धब्बा होना, कान से काला रिसाव होना, आंख लाल हो जाना, हेडेक होना, ठीक होने के बाद हेडेक होना,
ऐसी अगर लक्षण हो, आंख लाल हो जाना, आंख बाहर आना, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जा सकता है और उपचार कराया जा सकता है। ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए भारत सरकार ने ब्लैक फंगस की सुई की व्यवस्था में लग चुकी है। अब भारी मात्रा में ब्लैक फंगस के सुई को मंगाने की भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है, आदेश पारित कर दी गई है। ब्लैक फंगस को भी सरकार अब चुनौती मानकर चल रही है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और इन सारी बातों के अलावे तीसरे लहर आनी बाकी है कोरोना की, जिसकी तैयारी भी सरकार तेजी से कर रही है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।